हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे कोकोनट पान मोदक, जिसके लिए सबसे पहले मिक्सी जार में हम डालेंगे 8 से 10 पान के पत्ते, मीडियम साइज़ के हैं। इन्हें हल्का हल्का हम तोड़ कर डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3/4 कप जितनी फ्रेश क्रीम और आधा कप जितनी चीनी, और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पैन में हम थोड़ा सा घी लेंगे, आधा छोटा चम्मच, और इसमें 2 बड़े चम्मच सूजी डालेंगे। इसे 2 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे और फिर इसे हम निकाल लेंगे कुछ ऐसे। इसका हल्का सा कलर चेंज होगा जब तक, हमें सिर्फ तब तक ही इसको पकाना है। इसके बाद हम इसी पैन में वापस 1 चम्मच घी लेंगे और 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कोकोनट का भूरा डालेंगे, और वो जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर भी इसमें डाला था, कि डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। इसके बाद हम इसमें सूजी डाल देंगे, रोस्ट कीवी। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये सौंफ डालूंगी, ये तो ये शुगर कोटेड वाली है, आप इसमें मुकवास भी डाल सकते हैं या सिंपल सौंफ भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है टूटी फ्रूटी, इलायची पाउडर, गुलकंद और कैंड चेरी, जो करौंदा होता है वो, और इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने जो मिक्सचर बनाया था उस पर मैंने थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकल्स डाल दिए। यहाँ पे अब मैंने मोदक का मोल्ड लिया, जिसे मैंने ऐसे बंद कर लिया है। इसमें अब हम थोड़ा सा सबसे पहले ये मिक्सचर डालेंगे कोकोनट वाला, और इसे अच्छी तरीके से हमें दबाना है, एकदम हमें अच्छे से इसको दबाते जाना है पूरा साइड्स पे भी और ऊपर से भी, ताकि ये एकदम टॉप तक पहुँचे, टॉप एरिया में। नहीं तो फिर अगर आप दबाएंगे नहीं तो ये ऊपर से कवर नहीं होगा वो एरिया, और आपके कटे हुए मोदक बनेंगे। अच्छे से इसको प्रेस करते जाना है टाइटली सब साइड्स पे भी, तो आप आराम से करें, ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो एक सेमी थिक लेयर हम लगा लेंगे। फिर बीच में हमने जो गुलकंद और टूटी फ्रूटी वाली जो फिलिंग बनाई थी वो डाल देंगे थोड़ी सी, और वापस हम अपने कोकोनट पान मिक्सचर से इसको कवर कर देंगे। तो आप ध्यान रखें, जो आप ये मिक्सचर है उसको एकदम आपको टाइटली प्रेस करना है, वरना जो आपके मोदक है वो शेप रिटेन नहीं करेंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। देखिए कुछ ऐसे, ऊपर से भी एकदम टाइटली हमें प्रेस कर देना है। देखिए, आप आराम से ये मोदक बनाएं, बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें, वरना ये अच्छे नहीं बनेंगे। हम आराम से मोदक के मोल्ड को खोल लेंगे, तो ये एकदम एक साइड से तो ऐसे निकल जाएगा, दूसरी साइड से आप हल्का सा नीचे से उसको खींचेंगे एकदम सॉफ्ट हैंड से, तो वो आराम से निकल जाएगा, बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्टिक हो रहा है या हो सकता है, तो अपने मोदक के मोल्ड पे आप अंदर से थोड़ा सा घी लगा सकते हैं। वापस इसी प्रोसेस से हम सारे मोदक बना लेंगे। आपको ध्यान दे रहा है, आपको टॉप एकदम लास्ट तक आपका मिक्सचर जाना चाहिए था, एकदम ऊपर तक, वरना वो डोम बनेगा नहीं। थोड़ी सी ही अंदर हमें जो गुलकंद वाली फीलिंग है वो ज़्यादा नहीं भरनी, थोड़ी सी ही भरनी है। प्रेस करते हुए बस ऐसे ही अब हम अपने सारे मोदक बना लेंगे। आप ये रेसिपी इस गणपति ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस मेजरमेंट से आपके 12 से 15 मोदक बन जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।